हेलो क्लास, कंटिन्यू करते अपने स्टडी को और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉलेज वर्ल्ड बुक चैप्टर नंबर 2 एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं देखिए समझिए। एंडेंजर्ड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका नंबर यानी जो संख्या में कम होते हैं, जो अब खत्म होने की कगार पे है, ठीक, जो कि दुनिया में अब बहुत कम बचे हुए हैं, जिनको कि बचाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके बुक में कुछ 9 एंडेंजर्ड एनिमल्स दिए हुए हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि कौन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, अ नॉर्थ अमेरिकन बर्ड सो एंडेंजर्ड इट मे एक्चुअली बी एक्सटिंक्ट। नॉर्थ अमेरिकन बर्ड, ये एक नॉर्थ अमेरिकन बर्ड है, ये बहुत ज्यादा खतरे में है, बहुत ज्यादा खतरे में, यानी बहुत कम ये बची है, बहुत कम नंबर्स में ये बची है। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है इवोरी बिल्ड वुड पिकर। इवोरी बिल्ड वुड पिकर जो है वो नॉर्थ अमेरिकन बर्ड है जो कि अब नंबर से बहुत कम बची है, ठीक है। ये एक्सटिंक्ट हो जाती है क्योंकि इनका जो हैबिटेट है जहां वो रहती है, इनके घरों को उजाड़ दिया गया है, क्योंकि आप जैसे जान रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग जंगलों को काट रहे हैं, तो जब जंगल कटेंगे तो भाई जानवरों का वो घर है वो खत्म होगा, तो जाहिर सी बात है वो भी खत्म हो जाएंगे, कहाँ रहेंगे वो, ठीक है। इस वजह से इवोरी बिल्ड वुड पिकर जो है ये नंबर्स में बहुत कम हो गई है, इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट कैट। रेयरेस्ट बहुत, मतलब रेयर है, बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम ये पाया जाता है। ओनली 40 लेफ्ट इन रशिया फार फॉरेस्ट, सिर्फ ये नंबर्स में 40 बच्चे हैं जो कि रशिया के दूर दराज के जंगलों में ही बस मिलते हैं, पाए जाते हैं। क्या नाम है इस जानवर का? इसका नाम है एमर लियोपार्ड नाम है इसका, और ये करीब 10 से 15 साल तक ही जिंदा रह पाता है, ठीक है। अब ये नंबर्स में 40 बचा है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये भी प्रजाति खत्म हो जाएगी। आइए थर्ड नंबर पे चलते हैं, नो मोर देन 60 ऑफ दीज स्वैम्प ड्वेलिंग एशियन राइनो एग्जिस्ट। कह रहा है नो मोर देन 60, मतलब 60 से अधिक नहीं है, इनका भी नंबर बहुत कम है, 60 से अधिक नहीं है, और ये भी स्वैम्प ड्वेलिंग एशियन है, एशियन राइनोज है जो कि अब खत्म होने की कगार पे हैं, खत्म होने जा रहे हैं। इनको सुडान राइनोसेरोस भी कहते हैं या वन हॉर्न राइनोसेरोस भी कहा जाता है। तो इनका नाम है जेवेन राइनोसेरोस जो है बहुत कम बचे हुए हैं, ठीक है, बहुत कम है, अब इनको प्रोटेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हियर द स्केरेस्ट ऑफ मेडागास्कर फास्ट विंडलिंग लेमर स्पीसीज। कह रहा है मेडागास्कर में ये पाया जाता है, ठीक है, लेमर स्पीसीज है, लेमर की एक प्रजाति है। आप मेडागास्कर फिल्म देखे होंगे, उसमें इस एनिमल को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो स्केरेस्ट ऑफ मेडागास्कर फास्ट ड्विंडलिंग लेमर स्पीसीज, बहुत तेजी से घट रहा है इनका नंबर्स, बहुत तेजी से घट रहा है। तो क्या नाम है इस स्पीसीज का? इस प्रजाति का नाम है नॉर्दर्न स्प्रोटिव लेमर इस प्रजाति का नाम है, जो कि बहुत तेजी से लुप्त हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं, डिजीज एंड इलीगल हंटिंग आर वेपिंग आउट दिस जेंटल जाइंट। डिजीज बीमारी हो जाती है, इलीगल हंटिंग इनको मारा जाता है इनके चमड़ों के लिए, लेदर के लिए, ठीक है, और इसकी वजह से ये बहुत तेजी से नंबर्स में डाउन होते जा रहे हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला जो है वो नंबर से बहुत कम होते जा रहे हैं। कारण इसका यही है, डिजीज बीमारी से कुछ तो मर जाते हैं और भाई बाकी तो हंटिंग, इलीगल हंटिंग होती ही है हर जगह, हर देश में वही स्थिति है, लोग जानवरों को मेडिसिन के लिए मारते हैं, चमड़े के लिए मारते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सो रेयर इट इज ऑलमोस्ट माइथोलॉजिकल द सॉल हैंग्स ऑन बाय इट्स हूफ टिप इन अ फॉरेस्ट फुल ऑफ रोचर्स। कि इतना दुर्लभ है ये, इतना दुर्लभ है कि ये बस सिर्फ किस्से कहानियों में ही हमें मिलता है। द सॉल्स हैंग ऑन बाय इट्स हूफ टिप्स इन अ फॉरेस्ट फुल ऑफ रोचर शेयर्स। शिकारियों से भरे जंगल में ये अपने खुरों
और सिंहों की वजह से लटका हुआ है। दैट मीन्स से जो सींग है और जो खुर है, खुर यानी पैर के नीचे का हिस्सा, इसकी वजह से ही सिर्फ ये बचा हुआ है, क्योंकि इन्हीं की वजह से इसका शिकार हो रहा है। ठीक, इनके जो सींग है इसकी वजह से इनका शिकार हो रहा है, और ये नंबर्स में एकदम कम है, बहुत कम हो गए हैं, इनको बचाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस एनिमल का, इस जानवर का क्या नाम है? इस जानवर का नाम है द साउल एंड एशियन यूनिकॉर्न। इसको द साउल भी कहते हैं या एशियन यूनिकॉर्न भी कहते हैं। तो इसका पूरा नाम हम लोग लिखे हैं द साउल एंड एशियन यूनिकॉर्न। ठीक, वैसे भी यूनिकॉर्न जो है वो एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। ठीक है, किस्से कहानियों में मिलता है, जिसके लंबे सींग होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये भी है, इसके बहुत लंबे सींग होते हैं साउल के। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टर्टल इज ड्रॉपिंग एट एन अलार्मिंग रेट। ये दुनिया का बहुत बड़ा लार्जेस्ट टर्टल है ये, और इसका भी जो नंबर है वो बहुत तेजी से डाउन होता जा रहा है, बहुत तेजी से घटता जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, इस टर्टल का क्या नाम है? इस टर्टल का नाम है लेदर बैक सी टर्टल। लेदर बैक सी टर्टल जो है दुनिया का सबसे बड़ा टर्टल है, और इनका भी नंबर बहुत तेजी से घट रहा है, इनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। नंबर 8 पे आते हैं। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैट इज ऑलमोस्ट गॉन। बिगेस्ट कैट, ठीक है, कैट फैमिली से ही बिलोंग करती हैं ये। तो दुनिया की सबसे बिगेस्ट कैट जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है। ठीक है, बहुत सारे दुनिया के हिस्सों में से ये खत्म हो चुकी हैं, और सिर्फ पांच कंट्री सिर्फ ऐसी हैं जहाँ पे ये पाई जाती है। 5 कंट्रीज ही सिर्फ ऐसी हैं। कौन कौन सी हैं? इंडिया, रशिया, चाइना, भूटान, नेपाल, ये 5 कंट्रीज हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। इस एनिमल का नाम है द टाइगर। क्या नाम है? टाइगर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ह्यूमंस आर ईटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्फीबियन इनटू एक्सटिंक्शन। ह्यूमंस आर ईटिंग मतलब इंसान इसको खा रहे हैं, इतनी ज्यादा तादाद में इसका यूज कर रहे हैं मेडिसिन के लिए, एज अ फूड यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो नंबर है यानी कि ये घटते जा रहे हैं, खत्म होने की कगार पे पहुंच गए हैं। इतना ज़्यादा हम लोगों ने जो है खा लिया है, इसको मेडिसिन के लिए यूज़ कर लिया है। ठीक है, लार्जेस्ट है भाई, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होते हैं? ऐसे जानवर जो कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी, मतलब पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियंस कहते हैं। तो इस एम्फीबियन का नाम है चाइनीज जाइंट सेलेमेंडर। चाइनीज जाइंट सेलेमेंडर जो है इसका नाम है, और बेसिकली चाइना के लोग ही ज़्यादा ये सब खाते हैं जानवरों को, तो वही खाते हैं इसको भी, इस वजह से इसका भी नंबर कम हो गया। तो ये रहा कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में जो कि आपके चैप्टर में था। आपको क्या करना है, इन सभी को राइट करना है अपनी बुक में और लर्न कर लेना है। ओके, थैंक यू।